ट्रेड अलायंस के सदर अलियास मीमन ने कहा है कि मार्केटों में खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लेडी पुलिस की अशद जरूरत है। मैं तो अभी आया हूँ, इनसे मालूम, कल भी तीन चार को पकड़ा है, मोबाइल छीनते हुए, पर्स छीनते हुए, किसी का पर्स छीन लिया, उसमें क्रेडिट कार्ड निकला, पैसे निकाल के पर्स को फेंक दिया। बच्चों को हरासमेंट करना, औरतों को हरासमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सामने वाली पट्टी के ऊपर। इसलिए कि सिक्योरिटी जब तक लेडीज नफरी नहीं होगी, जब तक मसला चाहे रेंजर्स की हो चाहे पुलिस वालों का। अब आईजी सिंह गुलाम अहमद मेमन साहब आए हुए, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, हम पहले भी करते हैं कि लेडीज़ नफरी को भेजें और सिविल वर्दी के अंदर लोग यहाँ घूमें, ताकि पता चले जो हॉकर वगैरह पथारा वगैरह इस पर ज़्यादा मतलब लगी हुई है। इस पर KMC DMC और यहाँ की पुलिस की निज़ामिया भी मिली हुई है। जब तक ये नीचे इसको करे, जब तक मसला हल होने वाला नहीं है। आए दिन वारदात, आए दिन चोरी हो रही है, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना आम हो गया है, और छोटे छोटे बच्चे छीन रहे उनके साथ ना। कल का एक आईफोन लेकर हो रही थी यहाँ पे, किसी का पर्स, यहाँ पे कंप्लेन सारी लिखी हुई है। लड़के घूम रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? कहाँ है नफरी, कहाँ है पुलिस की नफरी, कहाँ है सिविल वर्दी में, क्यों लेडीज नहीं लगा रहे? बोल बोल कर थक गए। आईजी सिंह साहब आए हुए गुलाम, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आईजी से अपील करता हूँ, मैं इस सारी बातें को देखा जाए। हर साल इस तरह होता है, हर साल को तो नफरी बनाएंगे, क्या नफरी नहीं है भाई? नफरी नहीं तो क्यों कि हम नफरी ला के देंगे क्या? हम अपना कानून कम कर रहे हैं, कैंप लगाए हुए लोगों के साथ बैठे हुए, यहाँ तो अंधा कानून है। ये बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए काम कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, कब तक करेंगे? जब तक इनकी निज़ाम, यहाँ का निज़ाम, या वजीर आला के, अपने वजीर आला को, वजीर आला साहब या गवर्नर साहब, कोई भी हो, या आईजी सिंह हो, वजीर दाखिला हो, इसको कम कम सोचना चाहिए। आए कि रोन मारे ना ऑफिस में देख के, थोड़ी मसला आने वाला है बात, तक अटेंशन दो। जब तक नफरी नहीं आएगी, जब तक चोरी डकैतियाँ बढ़ती रहेंगी।